Hello, kids. A very good morning. On behalf of Rasa International School, today we will learn chapter number one of EVS, Environmental Studies, All About Me. Here, for that, you need to open your book, page number 196, chapter number one, All About Me. Okay, so first we will do the warm up exercise here. हेलो दिस इज़ मी हेलो ये मैं हूँ ऑन योर बर्थडे योर टर्न अ अयर ओल्डर अपने बर्थडे पे आप यू टर्न अ ईयर ओल्डर आप एक साल और बड़े हो जाओगे वेन इज़ योर बर्थडे सो यू हैव टू राइट हेयर दिस इज़ योर एच डब्ल्यू होमवर्क यू हैव टू राइट योर बर्थडे ओके डेट ऑफ बर्थ यू हैव टू राइट योर डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डेट एंड मंथ एंड ईयर लिखना है ओके सेकेंड इज हाउ ओल्ड आर यू दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क यू हैव टू राइट हेयर हाउ ओल्ड आर यू कि आप कितने बड़े हो ओके लेट्स अस मीट चलो अब हम नीना रवि और अंशुल से मिलते हैं ओके नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन नाइन्टी सेवन हाय माय नेम इज़ नीना हेलो मेरा नेम नीना है मैं नीना हूँ आई लिव विद माय पेरेंट्स आई लाइक टू सिंग मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ और आई लाइक टू सिंग और मुझे गाना गाना बहुत पसंद है हेलो आई एम रवि मैं रवि हूँ I live with my parents and grandparents. I like to play games. मैं रवि हूँ मैं अपने पेरेंट्स मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ रहता हूँ आई लाइक टू प्ले गेम्स और मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है Hi, my name is Anshul. अंशुल दिस बॉय saying हेलो मेरा नाम अंशुल है आई लिव विद माई पेरेंट्स मैं अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट्स के अंकल्स और आंट्स के साथ रहता हूँ एंड कजन्स कजन्स कौन होते हैं आपके चाचा चाची या ताऊ जी या ताई जी के बच्चे जो होते हैं वो आपके कज़न्स होते हैं ठीक है कज़न ब्रदर सिस्टर्स आई लाइक टू पेंट एंड डांस मुझे डांस करना और पेंटिंग करना पेंट करना बहुत पसंद है सो विच इज़ योर फेवरेट गेम सो चेक पॉइंट इज़ विच इज योर फेवरेट गेम यू हैव टू राइट योर फेवरेट गेम आपको क्या स गेम बहुत पसंद है वो आपको लिखना है दिस इज योर एच डब्ल्यू अगेन फाइन वी विल डू दिस एक्सरसाइज अबाउट आर सेल्फ अपने बारे में लिखना है आपको टिक करना है सॉरी टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है ओके आई एम अ बॉय और गर्ल इफ़ यू आर बॉय सो आप बॉय पे टिक करेंगे इफ़ यू आर गर्ल सो आप टिक करेंगे गर्ल पे आई हैव लॉन्ग शॉर्ट हेयर जिसके लॉन्ग हेयर है वो लॉन्ग पे टिक करेंगे जिसके शॉर्ट हेयर है शॉर्ट मीन्स छोटे लॉन्ग मतलब लंबे ओके सो वो लॉन्ग और शॉर्ट में से जो हैं आपके उन पे आप टिक करेंगे I have a straight, oblique, curly hair. अगर आपके straight सीधे बाल हैं तो आप straight पर टिक करेंगे अगर आपके घुंघराले बाल हैं curly hairs हैं curl वाले तो आप curly पे टिक करेंगे ओके okay? My eyes are black, brown, green, blue in color. So black, brown, green, blue, इसमें से कौन से color की आपकी eyes हैं आप उन पर टिक करोगे ठीक है कि आपकी आइज का कौन सा कलर है ओके यू हैव टू टेक माई आईज आर ब्लैक ब्राउन ग्रीन एंड ब्लू इन कलर सो जो भी कलर हो वो आपको टेक करना है फाइन नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज वन नाइन्टी एट नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज अगेन इंट्रोड्यूजिंग अल्फ मतलब अपने आप को आपको, आपको इंट्रोड्यूस करना है सो so, माई नेम इज़ डैश सो यू हैव टू राइट योर नेम हेयर यहाँ आपको अपना नेम लिखना है आई एम डैश ईयर ओल्ड आप कितने साल बड़े हो वो आपको लिखना है आई लेव इन सो यू हैव टू राइट हेयर यू लिव इन फतेहपुर सीकरी सो यू हैव टू राइट हेयर फतेहपुर सीकरी ओके आई स्टडी इन क्लास वन वेरी गुड आई स्कली आई स्टडी इन डैश स्कूल सो यू स्टडी इन विच स्कूल yes rasa international school so you write down rasa international school okay my class teacher name is this you leave to uh, this dash you need to be blank right now because later on we will tell you about your class teacher name okay so our likes and dislikes next exercise here is hamari likes or dislikes matlab लाइक एंड डिसलाइक्स क्या होती हैं लाइक्स जो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं करनी डिसलाइक्स जो हमें चीज़ें नापसंद हो नहीं करना पसंद होता है वी लाइक्स टू डू डिफरेंट थिंग्स लाइक हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं जैसे प्लेइंग सिंगिंग डांसिंग एंड पेंटिंग जैसे डांस करना पेंट करना कुछ भी प्लेइंग प्ले play करना सिंगिंग गाना गाना ठीक है सो दिस अगेन इज़ योर होमवर्क बिकॉज़ यू नीड टू हेयर आपको टिक करना है जो चीज़ें आपको इसमें से पसंद है लाइक दिस बॉय इज़ वॉचिंग टी वी किसी को वॉचिंग टी वी देखना बहुत पसंद होता है राइट सो यू नीड टू टिक इफ़ यू लाइक दिस एक्टिविटी और इफ़ यू लाइक टू डू पेंटिंग सो आपको ये टिक करना है इफ़ यू लाइक टू डू लाइक इफ़ यू लाइक टू प्ले सो यू नीड टू टेक हेयर अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है तो आपको ये टिक करना है डांस करना तो ये इफ़ यू लाइक टू लिसन द म्यूज़िक अगर आपको लिसनिंग टू म्यूजिक है अगर म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है तो आपको ये टिक करना है इफ़ यू लाइक टू डू राइटिंग वर्क सो यू नीड टू टिक दिस वन इफ़ यू लाइक टू डू रीडिंग अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आपको ये टिक करना है ओके एज़ आई टोल्ड यू न्यू वर्ड न्यू वर्ड इज़ कज़न हेयर कजन्स कौन से होते हैं जो चिल्ड्रेन होते हैं आपके अंकल और आंट के ठीक है वो क्या होते हैं एज आई टोल्ड यू चाचा चाची ताऊ जी ताई जी के जो बच्चे होते हैं उनको हम कजन्स बोलते हैं ओके नाउ टर्न यू नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन हंड्रेड नाइंटी नाइन सो हेयर एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स नीना लाइक्स टू डैश नीना को क्या करना पसंद था ड्रॉ पेंट सिंग वेरी गुड उसको क्या पसंद था सिंग करना गाना गाना ना सो नीना लाइक्स टू सिंग सेकेंड इज डैश लाइक्स टू पेंट किसको पेंट करना पसंद था अंशुल नीना या रवि में से अंशुल को वेरी गुड वी विल राइट हेयर अंशुल थर्ड वन इज रवि लिव्स विद हिज पेरेंट्स एंड डैश लवि किसके साथ रहता है कजन आंट और ग्रैंड पेरेंट किसके साथ रहता है ग्रैंड पेरेंट सो वी विल राइट हेयर ग्रैंड पेरेंट्स रवि लिव हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डैश लाइक्स टू प्ले गेम्स किसको गेम्स खेलना पसंद है ये रवि को सो राइट हेयर रवि क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू लेटर ऑन क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे थिंक ऑफ योर फेवरेट ड्रेस एंड कार्टून ड्रॉ और पेस्ट दे आर पिक्चर इन द स्पेस प्रोवाइडेड दिस इज योर होमवर्क आपको सोचना है अपनी फेवरेट ड्रेस और कार्टून के बारे में आपका फेवरेट कोई भी कार्टून कैरेक्टर हो या ड्रेस के बारे में और आपको उसकी पिक्चर्स को यहाँ ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है ओके okay?

जितने साल के आप हो जितने इयर्स के आप हो आपको उतनी कैंडल्स ड्रॉ करनी है सपोज यू आर फाइव इयर्स ओल्ड अगर आप फाइव इयर्स के हो तो यू नीड टू ड्रॉ हेयर फाइव कैंडल्स जैसे मैम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे आप जितने साल के हो आपको उतनी कैंडल्स ड्रॉ करनी है ठीक है सो अगेन दिस एक्सरसाइज इज यच डब्ल्यू होमवर्क I hope you understood this chapter. So, do exercise in your book with pencil and do the reading, okay? Thank you.